रवि जी का बर्थडे है, कुछ कहना संदेश दे दीजिए। आज रवि जी का जन्मदिन है और इनको बहुत शुभकामना हम सब लोग मिलकर दे रहे हैं, और इनकी नई फिल्म शुरू होने जा रही है उसके लिए भी बहुत शुभकामना है। नीलकंठ रवि जी बहुत मेहनती हैं, बहुत कर्मठ इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। मैं मुंबई में केक वैसे कभी नहीं काटा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बर्थडे मेरे लिए स्पेशल है। मम्परी मैम के हाथों और भैया के हाथों केक जो कटा है, प्रेम भैया है, परब सर है, सब लोग के हाथों में जो कटा है, तो थैंक यू सो मच। बस आपका आशीर्वाद रहे भैया, हमेशा रहेगा आपके साथ। दिनेश भाई, सीसीएल कुछ यादें कुछ ताज़ा करिएगा। अच्छी यादें हैं हम लोगों की। हम लोग सीसीएल जो हमारी टीम है भोजपुरी दबंग, उसमें भी हमारे रवि भाई हैं और हम लोग साथ में कई मैच गए खेलने के लिए और बहुत आनंद किया। कई मैच के सेमी फाइनल्स तक गए लेकिन फाइनल नहीं जीते। रवि यादव क्यों जाना जाता था? हाँ, अरे रवि भाई का तो सबसे कमाल होता था। इनका जो ड्रेस होता था वो बवाल होता था। दुनिया के लोगों को आफ्टर पार्टी का वेट होता था पार्टी करने के लिए, हम लोग को आफ्टर पार्टी का वेट होता था ये देखने। आज रवि प्रेम भैया कुछ घोषणा करेंगे आप? फिलहाल नहीं, आज कंप्लीट हुई है, आज फसल की डबिंग कंप्लीट हो गई है और दीदी ने कंप्लीट कर दिया डबिंग और थोड़ा सा बचा है वो भी कल हो जाएगा। बहुत जल्दी पराग जी बधाई हो, फसल कटने वाली है। और नहीं, और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैंने फिल्में बहुत की है पर आज फसल डब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से ये जो हमारे भैया ने, प्रेम भैया ने जब मुझे कहानी सुनाई थी और मैं एक ही बार में बोला हाँ भैया इसको, फिर हमारे पराग सर हैं इन्होंने पूरा स्क्रिप्ट बताया कि कैसे कैसे बनाएंगे, और आज जब फिल्म बन के कम्प्लीट हुई है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ, थोड़ा देर हुआ तो शायद ईश्वर भी चाहते थे कि फसल जैसी फिल्म उस काल में ना रिलीज हो जबकि सिनेमा का ठीक से ना रिलीज हो पा रहा था, ना लोग देख पा रहे थे। ईश्वर ने उसको जानबूझ के देर किया कि अब ये जब ये फसल रिलीज होगी तो दुनिया में जहाँ भी भोजपुरी दर्शक हैं उसको देखेंगे, सराहेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके लिए हम लोगों को बहुत सारा अवार्ड भी मिलेगा। मैं कहना चाहती हूँ इस पिक्चर के लिए चीज जो हमेशा हम लोग के सामने ये टॉपिक बार बार आती है, जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर हमेशा पूछता है कि अरे टैक्स हम भरे और योजनाएं बाकी लोगों को क्यों मिले।